हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ किनॉर बोरियत बस्टर की सेट पे और आज भी हम वैसा ही मजा करेंगे। और मेरे जो पीछे व्हील देख सकते हैं, चारों बैठ जाऊं पर अफसोस की बात है बैठ नहीं सकते। कोई बात नहीं, व्हील है और कर लेंगे मस्ती, कोई बात नहीं। स्टे ट्यून्ड YKids। एक नया गेम स्टार्ट होने वाला है जिसमें टू टीम्स खेल रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक बच्चा ईगल पे बैठा हुआ, अनदर टू कंटेस्टेंट्स हैं, उसको पुश करेंगे और उसके साथ एक नेस्ट पड़ा हुआ है जिसके अंदर वो मतलब बॉल्स पड़ी हुई हैं, लाइक एग्स की तरह उनको बनाया है। सो लाइक अब वो मतलब पुश करेंगे उसके कंटेस्टेंट्स और फिर वो एक बॉल उठाएगा, दूसरे नेस्ट में रखेगा। लाइक इट्स अ स्विंग एंड इट्स अ थिंग, सेम थिंग विद टीम चैटी। सो I'm curious, like, who will win this challenge? So, hello, assalamu alaikum, guys. So, main game ke baas kar raha hoon aur jiska naam hai Dobi aaya wala aaya. To, acha, main batata hoon ki kaise khela jata hai ye game. तो बेसिकली मतलब एक कंटेस्टेंट को ये व्हील घुमाना है इस तरह सारे कपड़े जाएंगे और जैसे ही ये लूज होती रहेगी तो एक कंटेस्टेंट वहाँ खड़ा होगा, वो रोब लटकी हुई है वही सेम, वो खींचेगा और कपड़े आते रहेंगे जल्दी से क्लिप से दूसरा कंटेस्टेंट निकालेगा और वो पहनता रहेगा जितनी जल्दी वो सारे दोनों का मतलब चक पहनता है वो जीत जाएगा, या जितनी जल्दी और ज़्यादा चाटी पहनती है वो जीत जाएगी, और या चक जीतेगा या चाटी की टीम या चक की टीम। सो दोस्तों, मेरे साथ गेम्स के इंचार्ज खड़े हुए, इनका नाम अब्दुल रहमान है और इनसे कुछ सवाल भी पूछते हैं। और ये जो आप गेम देख रहे हैं जो पीछे तैयार हो रहा है, ये इंचार्ज है इस गेम के, तो आइए कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मतलब ये जो आपने गेम बनाया है, आपने खुद ही मतलब इसको सोच कर बनाया है? कुछ गेम्स होते हैं जो कि हम टीवी पे देखते हैं, जो कि हमने फॉर एग्जांपल आपने निकलोडियन के गेम्स देखे होंगे और भी बहुत सारे गेम शोज हैं, तो वो लेवल के गेम्स पाकिस्तान में नहीं थे, तो हमने कहा कि चलो इनको अब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराते हैं और जो प्रैक्टिकल हो सकते हैं वो हमने फिर बनाए और अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। तो मुझे ये भी सवाल था कि अगर गेम मतलब के मतलब शो के बीच में एक खराबी आ जाती है गेम में या कोई मसला हो जाता है तो स्ट्रगल तो बहुत होती होगी, तो आप उसको सेट कैसे करते हैं? देखिए, हर चीज़ का हम पॉसिबिलिटी जब गेम डिज़ाइन हो रहा होता है तो हम पहले हर चीज़ चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर मसला आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये गेम है, धोबी आया गेम है, इसमें हमें प्रॉब्लम आई कि जब हम रोल कर रहे हैं उसको तो वो साइडों पे अटकना शुरू हो गया। अब हमने उसके डिफरेंट टेस्ट किए कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, तो हमने पहले कुछ लगाया फिर कुछ लगाया, एंड रिजल्ट में हमने फोम लगा के उसको बिल्कुल ठीक किया तो वो बिल्कुल ओके हो गया। तो इसलिए हम दो दफ़ा ट्राई आउट कर लेते हैं, इन केस कुछ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि ये नहीं हो सकता, जो कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, फिर हमें ये होता है कि हम कोई ऑल्टरनेट फॉरेन गेम जो कि देर इन देन आ जाए वो फिर हम अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब गेम सेट करने में और लोगों को बताने में ऐसे करना बहुत स्ट्रगल भी होती होगी? बिल्कुल स्ट्रगल होती है क्योंकि हर गेम के प्रॉप्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें हर चीज़ पहले से तैयार होनी चाहिए एटलीस्ट एन आवर बिफोर। अगर नहीं तैयार होगी तो उस वक्त जब गेम लग रहे होते हैं उस वक्त कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ ना मिल रही हो, तो वो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम ये कोशिश करते हैं, एटलीस्ट मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरी पूरी टीम जो है वो एटलीस्ट एक घंटे पहले सारी चीज़ें तैयार हो। कीप इट अप, थैंक यू। तो अभी हमारी इनसे बात हुई, उनका नाम था अब्दुल रहमान, तो वो थे गेम्स के इंचार्ज और मुझे भी लगता है ये बहुत स्ट्रगल है, तो शाउट आउट टू हिम।